और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक साथ दो समन्स भेजे हैं। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो वहीं शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी 21 मार्च को पूछताछ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नीति निर्माता, दुनिया भर से आए समाज में बदलाव लाने वाले प्रतिनिधि और एजेंडा निर्धारक शामिल होंगे एक बड़ी चर्चा में। ये मंच बनेगा गवाह भारत के विकास की असाधारण कहानी और उसकी असीमित क्षमता पर चर्चा का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स, 19 और 20 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। परफॉर्मेंस से पहले ही पक्ष और विपक्ष की तैयारी जोरदार रही। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों और राहुल गांधी 15 राज्यों के 357 सीटों का दौरा कर चुके हैं। कौन कितना मजबूत है, इस रिपोर्ट के जरिए इस लोकसभा के माहौल में समझाते हैं। सज गया 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान। चुनावी जंग में पीएम मोदी की तैयारी प्रचंड। मैदाने जंग में राहुल गांधी का दिखा दमखम। गरीब जनरल खास के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बाद चुनाव आयोग की कुछ बंदिशों के साथ सभी पार्टियों के नेता मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच परिवारवाद, नागरिकता संशोधन कानून और मोदी की गारंटी जैसे एजेंडे के साथ जनता के बीच गए। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यानी 2 जनवरी से 15 मार्च के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों और राहुल गांधी 15 राज्यों की 357 सीटों को कवर कर चुके हैं।